हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और सुबह क्या 10-11 बज रहे हैं और अभी तक कोई सो के नहीं उठा है। मैं नहा वहा के रेडी हो चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये दो परिंदे लोग ऊपर अभी भी सो रहे हैं। हम लोग सो रहे हैं ठीक है, देख रहे हो, जी। सोना, मतलब इसको सोना बोलते इसको हैं। सोना बोलते हो। अभी तक उठे नहीं है यार। ट्रैक कब शुरू करोगे? और ट्रैक कब शुरू होगी, कब खत्म होगी? भाई साहब, सुबह 5 बजे तक गाने बजाए हैं। रात भर सोने आप नहीं दिए, गाने बजा बजा के। वाह, ऐसी झूठी बातें करते हैं, गानम सो नहीं पाते हो तुम। इतना स्लो स्लो म्यूजिक बज रहा था, वाह अरे क्या वाह, स्लो था। ऐसे कान में हैंडफ्री डाल के सोएंगे। तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या टाइम लगने वाला है ट्रैक में और क्या होने वाला है। आज तो पता ही नहीं क्या होगा। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ वापस से चोपटा। और कितना बज रहा है? 1 बज चुका है ऑलरेडी और कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो सबसे पहले नीचे चल के कुछ खाएंगे और खाने के बाद ट्रैक शुरू करेंगे। बस इतनी उम्मीद है कि इन लोग को चलते चलते शाम ना हो जाए, कि अगर हम लोग 5-6 बजे तक पहुंचे तो वापस आते आते कम से कम 10 बज जाएगा, ये तो श्योर है। और फिर हालत भी खराब हो जाएगी और फोटोशूट भी प्रॉपर हो नहीं पाएगा। फिलहाल यहाँ पे कितनी बर्फ है आप देख सकते हो। इधर हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है और ये सारी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये बर्फ है, कुछ ऐसा नज़ारा है। तो अभी चल रहे हैं नीचे, नीचे कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ खा पी के ट्रैक शुरू करेंगे। ऐसे तो नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। बहुत जलवे से आए हैं, एक शर्ट पहन के ऊपर एक जैकेट लेके। बाकी देखते हैं इनका हाल, ऊपर बेहाल होगा तब मैं दिखाऊंगा, ये लाइन बोलूंगा, ये जो बोला है ये टू हॉट है ना, सारी गर्मी यार निकलेगी यहाँ इनकी जलवे से। बस नेटवर्क आना चाहिए। नेटवर्क तो नहीं आएगा, बस नेटवर्क बात चाहिए, बाकी हमें ठंडा नहीं लगता। सो फाइनली हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही हमेशा की तरह हालत खराब। ये लड़का फुल जोश में, बाकी एक लड़का हमारा नीचे फंसा हुआ है, क्या ही बताएं। शुरू हुई ट्रैकिंग और कह रहा है कि भाई मुझसे ना हो पाएगा, तो हमने कहा हम तो करेंगे और जलवेस करेंगे बिल्कुल। बाकी इधर बर्फ़ देख लो और ब्लैक आइस रोड पे है, हल्की फुल्की साइड में बर्फ, बहुत ही जलवेस एकदम। हाँ भैया, चलो जिंदा हो। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? गर्मी लग गई है यार, जो बात है सच्चाई। हाँ तो चलते रहो फिर। लेकिन बस पता है, हाँ एक्सप्लेन करिए कुछ, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो। सांस नहीं आ रही भाई। सांस कहाँ से आएगी यार, शादी तो हो तुम्हारी तब तो सांस आएगी। वही मसला है ना, है? पहले आएंगी तो यार अच्छा नहीं लगेगा। आज लग रहा है हुक्का कम पीना चाहिए। अच्छा जलवे से। तो अभी 1 किलोमीटर भी नहीं आया, हालात समझ नहीं रहे होंगे, शब्द तक नहीं निकल पा रहे मुंह से, क्या हाल हो गया है। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं आए और हालत बहुत ख़राब हो गई है। बाकी हमें अपने लौंडे तो दिख नहीं रहे नीचे, पता नहीं कहाँ रह गए। ये रहा देखो, कोई भी विजिबल नहीं है। इन लोग ने ट्रैकिंग की थी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, अभी कलर हो जाएंगी ऊपर से नीचे तक सब। 6 किलोमीटर टुंगनाथ की ट्रैक, फिर 1 किलोमीटर चंचला की ट्रैक। तो जैसा कि मुझे वरदान प्राप्त है भाई स्नोफॉल का, सो स्नोफॉल यहाँ शुरू हो चुकी है, जलवे से शुरू हो चुकी है। ये देखो अभी हल्की हल्की है, ऊपर और है। हाँ तो अपन जहाँ जाते हैं स्नोफॉल वहाँ आ जाती है, पीछे पड़ी है मेरे। पिछली बार आए थे टुंगनाथ मार्च में तो भी हुई थी, और गुलमर्ग गए वहाँ भी हो गई, फिर आया यहाँ, यहाँ भी हो गई। स्नोफॉल से अपना जन्मों जन्मों का नाता है जैसे। भाई हम दोनों तो चले जा रहे हैं, अक्षत भाई अपने पीछे हैं, प्रॉमिस किए हैं कि आएंगे, लेकिन हमें लगता है वापस यूटर ना ले ले। नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये देखो क्या खूबसूरत है। हाँ वादियाँ एकदम जन्नत जन्नत, जहाँ चलते रहो। ये देखो स्नोफॉल हो रही है बहुत जलवे से, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है चढ़ने में। 2 बजे ट्रैकिंग शुरू की हमने, तो एकदम तगड़ा हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुका है, अब बहुत तेज स्नोफॉल हो गया है एकदम। ये देखो रास्ते पर तुंगनाथ तक पहुँचते पहुँचते तो लग रहा है हम बर्फ़ में डूब न जाएँ, ऐसा स्नोफॉल है। बाकी अक्षत भाई अपने पीछे ही रह गए हैं, हमें लग भी नहीं रहा कि वो ट्रैक कर पाएंगे। बाकी देखो हर्षित भाई लगे हुए हैं जोर से एकदम, ये देखो जलवे से एकदम मजा ही आ रही है चढ़ने में। हैशटैग जलवे से हम लोग चढ़ रहे हैं शॉर्टकट लेते हुए। पैर डायरेक्टली बर्फ पे मत रखना, बस किसी ना किसी पत्थर पे टिका लेना।
हर्षित भाई, अक्षत भाई ने फोन किया था नीचे से, कह रहे थे हम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वापस जा रहा हूँ। वो आ नहीं पाएंगे भाई, लेकिन पता नहीं। और हमने सोचा हम शॉर्टकट मारते हुए आ रहे हैं लगातार, तो हमने सोचा एक दो शॉर्टकट और मारे जाएं। तो ये देखो, ये रास्ता है और वो रहा ऊपर, मतलब ये सीधा जाएगा शॉर्टकट में और हम लोग यही मारने वाले हैं। और ये रास्ता हमें मौत का रास्ता नज़र आ रहा है, तो हम लोग यही मारने वाले हैं। साक्षात महादेव के दर्शन होंगे अब हमें, समझ रहे हो? या तो ऊपर टुंगनाथ या तो महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फ ही बर्फ है जलवे से, यहाँ फोटो खिंचाओ लेट लेट के। अरे गजब भाई, हमें तो गड़बड़ लग रही। वापस बोलो भाई। सो फाइनली गाइस, हम लोग लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर आए और स्नोफॉल बहुत तगड़ा हो रहा है, हैवी स्नोफॉल। टुंगनाथ टेम्पल आई थिंक क्लोज है और ऊपर जाने भी नहीं दिया जा रहा है, या जा भी नहीं सकते हैं जैसा है पता नहीं, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। और अक्षत भाई हमारे बहुत नीचे हैं, इतना नीचे है कि फटी पड़ी उनकी, ऐसे सुतली लगा के जैसे किसी ने उड़ा दिया हो। और स्नोफॉल तो देख ही रहे हैं, तो फोटोशूट के लिए हमने कपड़े उतार दिए हैं, तो थोड़ा सा जलवे से यहाँ फोटोशूट करा लेते हैं। ये आ गए ऊपर, खैर। और बैग के ऊपर आप बर्फ़ देखिए, समझ रहे हैं? जलवा। रास्ता बहुत लंबा था, ये देखिए उधर से आते हुए हमने शॉर्टकट मार लिया, लेकिन ये बीच से ही आ गए। सो हमें कुछ ऐसा चढ़ाई चढ़ के जाना है। हम हमेशा शॉर्टकट बहुत लेते हैं, हमने केदारनाथ में बहुत शॉर्टकट लिए थे, यहाँ भी शॉर्टकट ले रहे हैं तगड़े से। और ये दूसरा प्राणी नीचे है, आई एम कमिंग। बाकी एक प्राणी नीचे हार मान के बैठ चुका है, कह रहा भाई मैं नहीं आ रहा। तो अपने ऋषि भाई के अंदर एक आदत बहुत बढ़िया है कि हमने कितनी भी ट्रैक उनके साथ की हो, कितनी भी ट्रैक कंप्लीट की, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। हमेशा सारी की सारी ट्रैक्स कंप्लीट की हैं, लेकिन अक्षत भाई अपने अब भोलेनाथ अगर इतनी आसानी से मिल जाए यार, तो फिर पप्पू पेजर हो जो पेजर करोगे। तो फाइनली हम लोग टुंगनाथ पहुँच गए ऑलमोस्ट। बाकी दाढ़ी के बाल वगैरह सब सफ़ेद हो चुके हैं, देख रहे हो ना। और ये रहा मंदिर, एकदम खूबसूरत सा बेहतरीन सा मंदिर। इतनी बर्फबारी के बावजूद हमने ट्रक कंप्लीट किया 6 किलोमीटर का। हालांकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अभी हिम्मत बाकी है। तो जब महादेव साथ में हो तो हिम्मत बची रहती है हमेशा, चाहे जितनी लंबी ट्रैक हो, क्योंकि अमरनाथ केदारनाथ अपन ने किया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके आखिर कंप्लीट हो ही जाता है। तो जल्दी से पहुँचते हैं मंदिर और देखते हैं, मंदिर तो खुला होगा नहीं, बाकी देख के मालूम करते हैं। हर हर महादेव, फाइनली हम पहुंच गए गाइस। ये रहा टेंपल, देख सकते हैं आप जलवे से, बहुत ही बेहतरीन टेंपल। हर हर महादेव। आप देख ही रहे होगे कितनी तगड़ी हैवी स्नो फॉल हो रही है, और हम ये पीछे हमारे महादेव जी बैठे हैं, टुंगनाथ बाबा टुंगनाथ। और बाकी अपना हाथी जो है केंडा स्वामी, मतलब नीचे लटक गया है, वो नीचे लटक गया है, उसने हार मान ली, कहा भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा चलो घुसो नीचे, हम जा रहे हैं, हम तो जाएंगे और चाहे जैसे जाए चढ़ के आए। अभी भी देख रहे हो ये स्नो फॉल, देख रहे हो ये देखिए बहुत तगड़े से हो रही है भाई, मजा आ रहा है एकदम। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। कितना बज रहा है? 5:15 हो गया, और अभी 1-1.5 घंटा हम लोग को उतरने में भी लगेगा, तो अगर अंधेरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी बर्फ तो बहुत है, मैं पूरा सील पैक हो गया हूँ भाई, अब कोई रिस्क नहीं लेने का। ठंडी बहुत लग रही, हाथ एकदम जम जा रहे हैं, रील्स वगैरह खिंचवा ली, 2-4 फोटो खिंचवा ली, इससे ज़्यादा हिम्मत, मतलब DSLR निकालने तक की हिम्मत नहीं हुई कि हम निकालें, ये हाल है हमारे, समझ रहे हो? बर्फ़ बहुत है यार, लेकिन मज़ा आ गया यार। मुझे एक बार यहाँ ठंडी में आना था, क्योंकि मैं मार्च में ऑलरेडी आ चुका हूँ और वो फोटोज़ भी मुझे मिल चुकी है, मैंने सारा नज़र आय हाय, ये देखो साफ होने लगा हिमालय रेंज। तो अंधेरा हो चुका है और बर्फ़ अभी भी गिर रही है, रास्ते बहुत स्लिपरी हो चुके हैं। और ये हमारे अक्षत कह रहे हैं, अक्षत तो आया नहीं, हर्षित भाई, इनकी फटी पड़ी है, 3-4 बार गिर चुके हैं, इनका बिछौड़ा हो चुका है लाल, ठीक है। और भाई आप कितनी बार स्लिप हुए? बर्फ देख ही रहे होगे। आप कितनी बार स्लिप हुए? मेरा तो पूछो ही नहीं, इधर दिखा दो शकल मेरी। शकल दिखानी है आपकी, ये देखिए जरा। मेरा तो पूछो ही नहीं, मैं सरकते ही जा रहा हूँ, पैदल चल ही नहीं रहा हूँ। जरा पीछे घूमेंगे, ये देखिए ये प्रॉपर हाल हो चुका है इनका, समझ रहे हो? सो फाइनली हम लोग उतर आए हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत गिरे, इतना गिरे, ऐसा ऐसा गिरे, ऐसे घूम घूम के गिरे, ऐसे नाच नाच के गिरे हैं, लेट गए थे क्या क्या बताएं। पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है और स्नोफॉल यहाँ भी हो रही है,
देख रहा हूँ, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम इस होटल में रुके थे और इसी रूम में रुके थे, तो उस टाइम तो हमें 700 रुपये में 5 लोगों के लिए रूम मिल गया था, लेकिन इस टाइम थोड़ा महंगा है, 2500 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन ठंडी देख रहे हो, ये देख रहे हो मज़ेदार धुआं निकल रहा है एकदम। तो अब यहाँ पे कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, खा भी लेते हैं मस्त, और गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जम चुकी है एकदम तगड़े से। तो ये हमारे अक्षत भाई हैं जो कि चढ़ नहीं पाए, धोखा देके वापस आ गए आधे रास्ते से। हाँ, ये बहुत गलत किया इन्होंने, चोट लग गई थी, चोट लग गई, आप हम लोग के साथ क्यों थे नहीं ये बताइए, चोट लग गई बता दो भाई। फिलहाल आगे रोड पे देखिए, आगे रोड देखिए, अब हम लोग निकले यहाँ से, आइसिंग हो रखी है जबरदस्त, ये देखिए बिल्कुल चपरन एकदम, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है पूरी रोड पे एकदम तगड़े से, टायर स्किड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं आ सकती तो गलत कहता है। बाकी देखते हैं चोपटा कहाँ तक, चमोली जाना है हम लोग को। हाँ, सो हम लोग चमोली के रास्ते पे जा रहे हैं और ये इलाका जो है वो जंगली है, और अभी अभी हमें सडन एक लेपर्ड दिखा जो सामने से उतरा था ऊपर से और नीचे मतलब रोड के किनारे ही था लगभग, और वो भी वाइट कलर का था, एकदम खतरनाक सा। हम लोग की हालत खराब हो गई थी, हम लोग ने सोचा रोके लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि रोके। तो अगर रात में आप ट्रैवल कर रहे हो तो बाइक से इस रास्ते पे ट्रैवल मत करना है, चोपटा से मतलब टुंगनाथ से चमोली वाला रास्ता है। तो इस पे अभी कितना बज ही रहा है, अभी बज रहा है 9 बजे ही हमें अगर लेपर्ड दिख सकता है, सो अवेयर रहें तो ज़्यादा ठीक है। सो फाइनली हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं, चोपटा से चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं शायद, या क्रॉस कर रहे हैं लगभग, लेकिन यहाँ से जो ओली है वो 65 किलोमीटर है। तो अब हमने सोचा कि हम लोग यहीं स्टे कर लेते हैं, तो पास में एक होटल मिल गया। एक्चुअली हम लोग को लेपर्ड दिख गया था रास्ते में, तो हालत सबकी ख़राब हो गई, तो हमने कहा 50 किलोमीटर कम से कम यहाँ से दूर निकल चलो, उसके बाद ही होटल लेते हैं। और पूरे रास्ते में सन्नाटा बहुत तगड़ा था, घरों में ना कोई लाइट जल रही थी ना ही कोई रोड पर दिख रहा था, तो हमें लगा ये एरिया थोड़ा सा वैसा है कि लेपर्ड वगैरह सक्रिय रहते हैं यहाँ पर, तो इससे थोड़ा सा दूर चले जाओ। तो काफ़ी दूर आ गए, 50-60 किलोमीटर कवर कर डाले हम लोगों ने। तो यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखा और नीचे यहाँ पर एक होटल है, बगल से अलकनंदा रिवर जा रही है, तो हमने सोचा यहीं पर स्टे कर लेते हैं। तो आज का स्टे यहीं होने वाला है, और यहाँ पे हमारे फ्री का बोनफायर लगा हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत नेसेसरी था, क्योंकि ठंड के मारे हालत हो गई थी ख़राब। और आप लोगों ने देखा ही टुंगनाथ में क्या हुआ और कैसे हम उतरे हैं ना, ऐसे स्लिप कर करके उतरे हैं, ऐसे घूम घूम के गिरे हैं इतने बार कि क्या ही बताएं, अभी तक कुछवाड़े लाल हो गए होंगे, जब जीन्स उतरेगी तब पता चलेगा हकीकत क्या है। तो फिलहाल अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, बाकी सुबह निकलेंगे यहाँ से ओली के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।